Hello friends, welcome to my channel Deepika Meditation Power. Friends, आज हम बात करेंगे आपके subconscious mind की power की. Subconscious mind आपके mind और brain में बहुत difference होता है. ब्रेन एक ह्यूमन बॉडी का पार्ट है. ब्रेन को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं छूकर, परंतु माइंड, मन को हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं. परंतु माइंड के कारण ही हम आज इतना विकास कर पाए हैं. तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है. वैसे तो दोनों का रोल बहुत ही डिफरेंट है, परंतु डिफरेंट होते हुए भी ये एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते. तो आइए सबसे पहले ये जानते कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है. इसकी पावर को जानने के लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखें, ताकि आप ये समझ पाएं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह से ये वर्क करते हैं और इनकी पावर क्या है. कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड उसे कहा जाता है जिसमें आप प्रेजेंट में होने वाली चीजों को महसूस करते हैं. जैसे कि आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, या आपके आसपास की चीजें, आपके डे टू डे लाइफ में जो आप काम करते हैं, आपका माइंड उस समय उन चीजों के प्रति जागृत होता है, कॉन्शियस होता है. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप जब नई कार चलाना सीखते हैं या आप बाइक ड्राइव करना सीखते हैं, तो उस समय आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं सीखने के लिए, सीखते समय भी और उसे ड्राइव करते समय भी. परंतु जैसे जैसे आप उसको चलाना सीख जाते हैं, तब वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड हो जाता है और आप उसको अच्छे से चला पाते हैं. आपके कॉन्शियस माइंड के कारण होता है ये सब. तो फिर सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड में वह मेमोरीज होती हैं जो आपकी पास्ट में घटनाएं हो चुकी होती हैं, और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कॉन्शियस माइंड की के लिए यूज कर सकते हैं. कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक पेड़ की तरह है, एक ट्री की तरह है. पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, फल वाला हिस्सा, वह कॉन्शियस माइंड है, जागृत मन है. और पेड़ के नीचे का हिस्सा, जो जड़ों का हिस्सा होता है, जो रूट का हिस्सा है, वह होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड. जैसे पेड़ के फलने फूलने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए आप खाद पानी वाले पानी उसके निचले हिस्से में डालते हैं, तभी तो पौधा अच्छा उगता है, आपको अच्छी अच्छा फल देता है, अच्छे फूल देता है. ठीक ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके लिए, कॉन्शियस माइंड के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड की जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है. कॉन्शियस माइंड जो होता है उसको सच और झूठ में फर्क पता होता है, परंतु सबकॉन्शियस माइंड को सच और झूठ का पता नहीं होता.
जैसे अक्सर आप किसी हॉरर मूवी को देखकर या आप किसी हॉरर ड्रीम को देखकर डर जाते हैं, क्या अचानक आपकी नींद टूट जाती है, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है। कॉन्शियस माइंड सोच समझ कर कोई भी फैसला लेता है, परंतु सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डिंग डिवाइस की तरह वर्क करता है और वह हमेशा ऑन रहता है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर का सही इस्तेमाल करके उसको कॉन्शियस माइंड के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप कोई अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको यह बोलेगा कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इतनी मनी नहीं है उस वक्त, इतने रिसोर्सेस नहीं है। इतना कॉन्शियस माइंड है वो यदि पॉजिटिव सोचता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव सोचता है तो आप उस काम के लिए सबसे पहले यह बोलेंगे कि यस आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकता हूं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस काम को करने के लिए आपको पॉजिटिव पावर देगा। परंतु यदि आप सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा नेगेटिव प्रोग्राम करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव अपने लिए, नेगेटिव दूसरों के लिए, तो आप अपने कॉन्शियस माइंड के सही होने के बावजूद उस कार्य को नहीं कर पाएंगे पूरा, क्योंकि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचना है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, और जो भी आइडियाज आपके माइंड में आते हैं जरूरी नहीं है कि वे किसी दूसरे के माइंड में भी हो। तो ये आइडिया आपको गॉड ने दिया है, आप उसको यूज कर सकते हैं, उसका क्रेडिट उठा सकते हैं, क्योंकि उसका क्रेडिट आपको ही मिलेगा। परंतु सबसे पहले कॉन्शियस माइंड का पॉजिटिव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तभी आपको पॉजिटिव पावर मिलेगी और आप अपने आप को सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। स्टे कूल, स्टे फिट, कीप स्माइल।